देखो क्वेश्चन सारे जितने भी लिखवा रखे हैं वो एटलीस्ट करने हैं। देखो इन्हीं क्वेश्चन से मैं जस्ट कुछ नोट्स बना रहा हूँ। जैसे नोट वन में मैं ले रहा हूँ, सपोज जेड पी क्रॉस जेड पी वेयर पी इज प्राइम, ठीक है। जेड पी क्रॉस जेड पी में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे वेयर पी इज प्राइम? तो आप फर्स्ट क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी अगर आपने फाइंड आउट किया तो ये देख सकते हो आप, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पी आएंगे पी स्क्वायर माइनस वन आएंगे, है ना। तो जो एलसीएम लोगे पी आने की वो क्या होगी, वन कॉमा पी, पी कॉमा वन, वो पी कॉमा पी, ठीक। तो वहां से, और ऐसे भी सोच सकते हो पी क्रॉस पी में ओनली वन एलिमेंट इज ऑफ द आइडेंटिटी एंड रेस्ट आर ऑर्डर पी, तो इस टाइप से भी आप सोच सकते हो। तो जैसे भी कैसे भी करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पी जो होंगे पी स्क्वायर माइनस वन आएंगे। जस्ट यू यूज हियर द एलसीएम, है ना, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, तो उसको यूज किया। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी, ऑर्डर पी का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी माइनस वन, सो दिस इज पी प्लस वन, ठीक। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे जेड पी क्रॉस जेड पी में ऑर्डर पी के, वो पी प्लस वन होंगे। जस्ट आपने ये पॉसिबिलिटी बनाया पी कॉमा वन, वन कॉमा पी, पी कॉमा पी, है ना, फाइव पी, पी माइनस वन, पी माइनस वन, है ना, पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन, ऑर्डर पी का यही पॉसिबिलिटी है ना। तो इनको ऐड कर दो, सो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट दिस होंगे। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी माइनस वन, सो पी स्क्वायर माइनस वन को आप लिख लोगे पी प्लस वन पी माइनस वन एंड अपॉन में पी माइनस वन, तो पी प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अगर आपको कोई पूछता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर इलेवन इन इलेवन इंटू इलेवन इज इक्वल टू सीधे इलेवन प्लस वन सीधे ट्वेल्व, ठीक है। तो इस नोट से हम डायरेक्ट, बहुत बड़े अगर प्राइम नंबर भी होंगे तो इजीली हम बता देंगे उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। सेकंड, ये ले रहा हूं मैं जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी वेयर पी इज प्राइम, सो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन दिस जेड पी क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी विल बी पी क्यूब माइनस वन, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप तीन तो सारी पॉसिबिलिटी लिख लो। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी आने की, एलसीएम पी होने की, वन कॉमा वन कॉमा पी, इस ऐसे ही थ्री टाइम होगा, तो दूसरा वन कॉमा पी, है ना, ये तीन बार होगा क्योंकि एक पी यहाँ पे आएगा, पी वन कॉमा पी, वन कॉमा पी कॉमा वन, पी कॉमा वन कॉमा वन, इस टाइप से जो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, जो भी पी माइनस वन होगा वो थ्री टाइम्स होगा, थ्री टाइम एंड सो ऑन। इसमें वन कॉमा पी कॉमा पी, पी कॉमा वन कॉमा पी एंड वन कॉमा पी, एक बार बीच में वन, एक बार लास्ट में वन, तो इसमें भी थ्री टाइम्स बनेंगे ये, ठीक। और फाइनल एक बार बनेगा पी कॉमा पी, तो इन सबको फाइव निकाल के यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, यहाँ से जस्ट पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन, ये क्या हुआ पी माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या होगा पी माइनस वन। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी पी क्यूब माइनस वन। तो इतना नहीं करना हमें, जस्ट टोटल में से एक कम कर देना है। टोटल ऑर्डर कितना है इसका, पी क्यूब है, तो उसमें से आइडेंटिटी हटा दो,
रेस्ट आर द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, क्योंकि इसमें केवल ऑर्डर पी और ऑर्डर वन के ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो पी होगा इसमें। ये डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहे हैं सिंस लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट जो होगा वो होगा पी। जब लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पी होगा तो इसमें ऑर्डर पी और पी को जो डिवाइड कर रहे हैं वही ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, यानी वन और पी के ही होंगे। तो लैग्रांज थ्योरम है ना, किसके थ्रू कह रहे हैं, लैग्रांज थ्योरम के कोरोलरी से। तो एक एक ऑर्डर वन का तो केवल एक ही होगा, बाकी रेस्ट आर ऑर्डर पी के ही होंगे। तो रेस्ट पी के होंगे तो वो क्या होंगे, रेस्ट आर ऑर्डर पी के ही होंगे एक को छोड़ के। तो टोटल में से एक मैंने माइनस कर दिया, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पी। और सेम केस जेड पी क्रॉस जेड पी में भी हो रहा है। सो अगर इसमें आपसे पूछता है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस पी प्लस वन, है ना, पी माइनस वन से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर टू इन जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू, तो इट विल बी टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, कितना होगा, सेवन। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर टू के होते नहीं होंगे, ठीक है, अपॉन वन हो जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू, किसी में भी इन एनी ग्रुप। अगर आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू फाइंड आउट करना है, नोट थॉट, अगर आपको किसी ग्रुप में भी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू इन एनी जी इन ग्रुप जी, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, है ना, ऑर्डर टू, क्योंकि अपॉन फाइव टू होता है, फाइव टू इज वन, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर टू के इक्वल में ही आएंगे। क्लियर। नाउ फोर्थ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन जेड एम क्रॉस जेड एन, जेड एम क्रॉस जेड एन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, जीरो अगर टू डज नॉट डिवाइड एम एंड टू डज नॉट डिवाइड एन, टू और एन जो है वो ऑड हो तो ऑलवेज जीरो, वन इफ टू डिवाइड एम बट टू डज नॉट डिवाइड एन, या ये हो सकता है, या टू डज नॉट डिवाइड एम बट टू डिवाइड एन, यानी किसी एक को अगर टू डिवाइड करता है तो उसका उस केस में ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर टू जो होगा वो वन आएगा। एंड थर्ड केस, थर्ड केस टू एम को डिवाइड करें एंड टू जो है एन को भी डिवाइड करें, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज थ्री। तो किसी भी केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू वो टू नहीं हो सकते। एक्चुअली क्या करोगे आप, जब ऑर्डर निकालोगे ए बी का, जब ऑर्डर निकालोगे वो टू आएगा, तो दिस विल बी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी एलसीएम टू तभी हो सकता है जब या टू वन कॉमा टू हो, टू कॉमा वन हो, या टू कॉमा टू हो, ठीक है। अगर ये टू इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है, टू इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन दिस इज जीरो इस केस के लिए। आप देखो, अगर टू जो है एम को डिवाइड कर रहा है लेकिन टू जो है एन को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ओनली ये केस बनेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज फाइव टू इंटू फाइव वन विच इज वन, ये यहाँ से आ जाएगा। आप दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों केस बनेंगे, दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों केस बनेंगे। तो इसमें से टोटल थ्री, यहाँ से वन वन वन,
तो टोटल में टोटल जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर टू वो 3 होंगे। अब कोई भी ऐसा केस अराइज नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज इवन हो। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू जो होंगे वो इवन होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी ग्रुप में, नॉट ओनली दिस, किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू कैन नॉट बी इवन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू जो होंगे वो ऑलवेज ऑड होंगे, क्योंकि अगर ए आएगा ऑर्डर टू का तो ए भी ऑर्डर टू का है, बी भी ऑर्डर टू का है, तो ए इंटू बी भी ऑर्डर टू का होगा, जो कि बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि ग्रुप में होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि ए बी आर सेल्फ इनवर्स, वो खुद के इनवर्स है। तो देयर इज नो ग्रुप हैविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज इवन। तो ये नोट्स अभी आप बना सकते हो। सो नेक्स्ट हम करेंगे अब इसमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करो इसके।